सारे शोज ऐसे होते हैं, लड़का लड़की को मिलता है, प्यार हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, फिर सास बहू का ड्रामा शुरू हो जाता है. बट आई एम ग्लैड दिस इज डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई आई आल्सो चोज दिस. फर्स्टली फीमेल ओरिएंटेड है, इट्स ऑन ही एंटायरली एंड हाउ ही इज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर हर. आपने तारा सिंह का नाम सुना? Yes, of course. गदर वाले तारा. Of course, अभी मैंने गदर 2 भी देख ली. अभी गदर 2 देखी? हाँ? मुझे ऐसा लगा मैंने गदर 3 देखी. हाँ, प्रोमो देख के ना. प्रोमो देख के मुझे भी ऐसी फीलिंग आई. यार खुद ही अपनी तारीफ कर दी है पहले कि हाँ प्रोमो देख के. प्रोमो आई कांट टेल यू, इतनी मेहनत करी है ना हमने प्रोमो में एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द डायरेक्टर एंड एवरीवन कि इट टर्न्ड आउट वेरी नाइस. बंदूक असली वाली चलाई थी? यस. झटका लगा था पीछे? चला ही नहीं. अच्छा. उठाई. ऐसी बातें बोलते नहीं है. हाँ. थोड़ा फेकिंग कि हाँ मैंने बंदूक चलाई थी और फिर ऐसे झटका लगा और फिर मुझे चोट भी लगी. हाँ. But इसका प्रोमो लिटिल फिल्मी टाइप का है. फिल्मी? हाँ. तो क्या होने के वाला? जब हम अमृतसर में लैंड हुए थे, प्रोमो हमने अमृतसर में शूट किया, सारे लोग इतने फ्रेंडली, इतने प्यार से बात करते हैं, इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं. मैंने सोचा यार इतनी रिस्पेक्ट तो आज तक नहीं मिली मुझे मुंबई में, तो हम स्लैंग में बात करते हैं, दिल्ली ऑल्सो शायद. सो दैट वॉज रियली नाइस. और सबकी आवाज़ इतनी मिठी है ना, मतलब हर बंदे से प्यार हो जाता है. एंड फूड, ऑफ कोर्स द फूड हियर भी बहुत चटोरी है. एंड तनीषा माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो ह्यूज फूडी. सो मैं अमृतसर में भी मैंने छोले कुलचे खाए, सो यम्मी. बराबर गोल्डन ब्रदर्स ढाबे पे खाया हमने, फ्री में प्रमोशन कर दिया हमने ब्रदर्स ढाबे का. और चंडीगढ़ में भी सरसों का साग मक्के की रोटी विद अ बिग ग्लास ऑफ लस्सी, सो इट वाज रियल नाइस. खाने में तो बड़ा मजा आया. अच्छा, अब एक कंपैरिजन करते हैं, पंजाब का अगर सरसों का साग या दिल्ली के मोमोज? सरसों का साग. और डीडीएलजे वाले खेत या गोवा के बीच? DDLJ वाले खेत. हाउ कैन यू इवन कंपेयर विद गोवा का बीच? नहीं ना, कंपेयर विद ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कहीं और का बीच, कैलिफोर्निया बीच. ठीक है, DDLJ वाले खेत या फिर हिमाचल के पहाड़? आई डोंट नो, ये तो बहुत टफ है. मूड पे डिपेंड करता है. हाँ, मूड पे डिपेंड. सैटरडे को खेतों में जाएगा और संडे को पहाड़ों. यस, एग्जैक्टली, ये यहां पे सेटल. अच्छा, चाय या लस्सी? I prefer cold drinks more, तो लस्सी. ना? मुझे लगा था you'll say चाय. No, I will say लस्सी. I am in his character right now. मैं लस्सी बोलूँगी. अच्छा, ये बताइए कि जैसे हमने टिपिकल सीरियल्स देखे थे एक टाइम पे कि तूने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ऐसा कुछ होगा इसमें या नहीं होगा? अलग अलग तरीके से वही होगा. अलग तरीके से होगा, पर बेटर तरीके से होगा. आजकल सिनेमा में वो नहीं चलता कि रिपीट करो, रिपीट, वो बार बार रिपीट करते हैं. आजकल एक ही डायलॉग में एकदम दमदार तरीके से बोलते हैं कि कोई कुछ आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है. ऐसा होगा. अच्छा, ये बताइए, आपने बचपन से सोचा था एक्ट्रेस ही बनना या इट हैपेंड बाय चांस? बचपन से इट वाज अ फीलिंग कि मैं करूँ, बट आई वाजंट स्ट्रांग इनफ. I felt like नहीं, it should only be a hobby. कुछ और करना चाहिए, hobby के लिए कर लूँगी. But as I grew older, my mom was a big support for me. मेरी मम्मी ने बोला कि तू try कर. ये from Mumbai होंगी ना? हाँ, Mumbai होंगी. NRI but from Mumbai. तो my mom only से. पंजाब में तो वैसे आधे ज़्यादा तो NRI होते हैं. वो भी है. आधा Canada तो. बाहर, हाँ, Australia में भी सारे पंजाबी हैं. Actually. फिर मम्मी ने कहा कि तुम करो. तुम अच्छा करोगे, करो. तो आई ट्राइड एंड शी ब्रॉट मी हियर. शी वॉज लाइक नहीं, मैं हूँ, मैं तुझे सपोर्ट करूँगी, तो ट्राई कर. व्हेन आई एम फीलिंग डाउन और नॉट फीलिंग वेल और मेरा कुछ खराब हो गया, देन शी इज लाइक नहीं, तू और अच्छा कह सकते, तू कर, तू कर, तू कर. तो यू नीड दैट मोटिवेशन. यू कैन जस्ट कम विदाउट एनी सपोर्ट. एक बंदा तो सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, दैट्स माई मॉम. देन हाउ द जर्नी बिगन? Then how the journey began? I came and एक audition दिया था मैंने बालाजी के लिए. तो बालाजी से शुरुआत हुई थी, but तब मेरा accent था, English Australian accent आ रहा था मेरे हिंदी में. हाँ, तो शुरू में. तो फिर मैंने diction पे काम किया, काफ़ी सारा काम किया, acting पे भी work किया मैंने. TV commercial से शुरुआत की मैंने, music videos काफ़ी सारे किए, Australia में भी किए थे पंजाबी music videos. So I've already worked in Punjabi industry a little bit, क्योंकि टी सीरीज पंजाबी, जी म्यूजिक पंजाबी, I've worked in all that. अच्छा, एक जो आप डायलॉग बोलते हो, चिड़िया नाल जो बाज लड़ाऊँ, क्या बोल सकते हैं? मतलब क्योंकि उस डायलॉग ने एकदम रोंगटे खड़े कर दिए थे. चिड़िया नाल बाज लड़ाओ, सवा लख से एक लड़ाओ, तभी गोविंद सिंह नाम कहा. यस.
ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई थिंक जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और उतने खूबसूरती से ये एग्जीक्यूट भी हुआ. तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. होप टीआरपी के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो यस यस थैंक यू सो मच. आपने ऐसा बोल दिया हीर जो है वो एकदम छा जाए. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.